नहीं जी, आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? अखिलेश यादव से मुलाकात की, अखिलेश यादव ने तो कहा वो समर्थन देंगे, बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की उन्होंने अरविंद केजरीवाल के साथ मिलकर, लेकिन जो कोशिश की जा रही है कि कहीं ना कहीं तीसरा मोर्चा बन जाए, एक तरफ तो नीतीश कुमार मिल ही रहे हैं सभी पार्टियों से, अब दूसरी मुलाकातें जो शुरू हुई वो अरविंद केजरीवाल ने शुरू की है, और इस अध्यादेश को लेकर यह आरोप लग रहा है बीजेपी पर साफ साफ कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं, आप लोगों के भी क्या आरोप है, आप लोगों का क्या स्टैंड है इस पूरे मुद्दे पर? निश्चित रूप से माननीय अखिलेश यादव जी ने स्पष्ट कह दिया है कि समाजवादी पार्टी आम आदमी पार्टी का समर्थन देगी इस अध्यादेश के लिए, और मैं भी सुन रही थी बीजेपी के प्रवक्ता 2024 की बात कर रहे हैं। दरअसल बीजेपी को जो है 2024 नाम की बीमारी से ग्रस्त हो गए, सोते जागते उठते बैठते हर वक्त 2024 2024 2024, उनको मालूम है, भाजपा को मालूम है कि पूर्ण रूप से सत्ता से सफाया होने वाला भाजपा का, इसलिए इनको 2024 नाम की एक बीमारी होगी, और इस बीमारी का इलाज जो है जनमानस करेगी, और जनमानस ने तय कर लिया है कि 1977 का इतिहास पुनः दोहराएगी। ये इतिहास रहा 1977 का कि उत्तर प्रदेश में उस पर 85 सीटें थी, 85 सीटें सत्ता दल हार गई थी, और यही इतिहास जो है यूपी बंगाल बिहार दिल्ली सहित पूरे देश में यही इतिहास दोहराएगा, भारतीय जनता पार्टी का पूर्ण रूप से सफाया हो जाएगा। अभी बीजेपी के प्रवक्ता जो बोल रहे थे भाषा की बातें, बड़े बड़ी बातें कर रहे थे, भाषा की बातें कर रहे थे, अरे जब चुनी हुई सरकारों के मुखिया के विरुद्ध खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं, तब आपको मर्यादा नहीं याद आती है? बंगाल जाते तो वहां की चुनी हुई मुख्यमंत्री ममता दीदी के लिए कहते दीदी ओ दीदी, तंज करते हैं दीदी ओ दीदी, जनमानस ने धूल चटाई इसके लिए। उत्तर प्रदेश आते हैं तो कहते हैं कि यहाँ की चुनी हुई सरकारें जो थी अखिलेश यादव जी की या मायावती जी के लिए, उनके लिए किस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। नीतीश कुमार बिहार जाते तो नीतीश कुमार जी के लिए किस प्रकार की अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं। तो ये अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने का केवल लाइसेंस जो क्या बीजेपी के पास है और जनमानस से समझ रही है। अच्छा, अभी आप दूसरी बात कर रहे थे कि ट्रेलर की भी बात कर रहे थे, ट्रेलर तो जनमानस दिखा दिया। 2024 का ट्रेलर जो है लोकसभा उपचुनाव का ट्रेलर हुआ ना, अभी मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव हुआ, 3 लाख वोटों से समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को धूल चटाई, बीजेपी की पूरी हार हुई। अभी जलंधर में, पंजाब के जलंधर में, जहां बीजेपी ने कह दिया था जान बच गई, और वहां 25% हिंदू आबादी है, 6% वहां पे अपर कास्ट हिंदू है जिनको बीजेपी कहती है कि हमारे ड्रीमी वोटर है। अभी लोकसभा उपचुनाव हुआ था, 4th पोजिशन पर बीजेपी पहुंच गई थी, आम आदमी पार्टी वहां जीती, बीजेपी तो दूसरे नंबर पे कांग्रेस थी जिनको बीजेपी कहती है कांग्रेस मुक्त वहां, और ये तो बीएसपी से भी पीछे चले गए। और अभी जो विधानसभा चुनाव हुआ था वहां मात्र 1% वोट मिला और 1 सीट मिली। कर्नाटक में बुरी हार हुई, उड़ीसा बंगाल तमाम स्टेट में जहां पर बीजेपी की करारी हार हुई। तो ये तय है कि जनमानस, जिस प्रकार जनमानस के विरुद्ध बीजेपी ने काम किया, और अगर उत्तर प्रदेश की अगर आप दिल्ली सरकार की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट के ने स्पष्ट कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स के ट्रांसफर पोस्टिंग आदि का जो अधिकार है वो चुनी हुई सरकार के पास होना चाहिए, और अगर चुनी हुई सरकार के पास नहीं है वो अधिकार, सुप्रीम कोर्ट वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, अध्यादेश को चुनौती देंगे या नहीं देंगे, तो आम आदमी पार्टी आगे तय करेगी। जब उनका कहना है कि जब कोर्ट खुलेगी तब देखा जाएगा, ठीक है। एक मैं बाकी मेहमानों के पास भी, मैं हरीश जी से उसका जवाब भी लूंगी। अश्वदास्ता जी, आपकी रैली को आप किस तरीके से देखते हैं? नाई जी, एक मिनट। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर।